क्या चल रहा है? सरकार कह रही है कि हम हर चीज का जवाब दे तो रहे हैं। हर कोई तबाह है। पहले शिक्षा कुछ लोगों का अधिकार था, लालू जी ने ये अंतिम पैदान तक पहुंचा दिया, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। लड़कियां जो कल आ रही थी रिसेप्शन पार्टी से आराम में हुआ, अब बताइए, अब ये बताने की जरूरत है कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्ट चीज देख रहे हैं। शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर, जहां पर तेजस्वी यादव जैसे ही अपने आवास पर पहुंचे हैं, लोग यहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। हर रोज़ जो लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, वो सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते होंगे, लोग हाथों में कागज़ लिए, आवेदन लिए यहाँ पर खड़े हैं। मिल रहा था उसका उठाया, तालीमी मरकज और इस वाला जो नहीं दिया हुआ है, प्रश्न आना बाकी है। ब्लैंक चेक पे हस्ताक्षर नहीं करने के कारण मुझे हटा दिया गया है। धान आदि प्राप्ति नहीं हुआ मेरे यहाँ, बहुत दौड़ धूप किया रही कार का, कम से कम 10 बार गए होंगे। तो कितना और वहाँ सब बढ़िया में बढ़िया परमिशन नहीं मिला, परमिशन नहीं मिला, परमिशन नहीं मिला। उसके बाद बताते हैं तो कहाँ जा रहा है, सब बिचौलिया ले रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री जी कहाँ दिए हैं भाई, मुख्यमंत्री छिप करा है, कॉपी दिया हुआ है, उसके बाद सचिव महोदय के दिए, देखिए मुख्यमंत्री का तो है। हाँ, कॉपी है। कितना में बिचौलिया सब खरीद रहा? वहाँ के 1200-1100 रुपया, 1100 से 1150, 1200, 1250, 1300 तक खरीदा है। बस 1300 रुपया, 1800 हरनौत के रहने वाले हैं, सर बगल में गाँव है पुआड़ी। हमारे सर भाई की हत्या हो गई, मर्डर कर दिया, मारने वाला सर खुला घूम रहा है। डीएसपी साहब से सुपरविजन किए सर, एसपी साहब से भी मिले सर, कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है सर। फरियादी जो फरियाद लेके आए हैं तेजस्वी यादव, उनसे सुन रहे हैं क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ उनकी दुख तकलीफ है। कोई कह रहा है कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है, कोई मदरसा से आए हैं और कह रहे हैं कि सवाल पूछे बिहार विधानसभा में। तेजस्वी यादव आश्वासन दे रहे हैं कि हमने सवाल डाल दिया है, जवाब इसी सत्र में सरकार को देना है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, जो लोग आपसे मिलते हैं, हमने देखा है ज़्यादातर लोगों की ये समस्या है, भाई की हत्या कर दी गई, डीएमएसपी सुनते नहीं हैं, मदरसा वाले आपसे आग्रह कर रहे हैं सवाल पूछिए, क्या चल रहा है? सरकार कह रही है कि हम हर चीज़ का जवाब दे तो रहे हैं। हर कोई तबाह है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या स्वयं सहायता समूह हो, आशा वर्कर हो, दीदी हो, जीविका दीदी, सब लोग, आप देखिएगा नौजवान छात्र, सब लोगों की शिकायत जो है बड़े पैमाने पर आती है। लॉ एंड ऑर्डर से सबसे बड़ा समस्या है हत्या अपहरण, कई जगह तो कई बार जो है हर दिन अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, कहीं किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया गया या हत्या हो गई, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी किसान बड़ी संख्या में भी आए थे, धान पैक्स के लोग आए थे, सब लोग जो उनको अनुमति नहीं दी जा रही धान को खरीदने की। लेकिन सरकार तो कह रहे हैं कि बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ही हमने ये कृषि अध्यादेश लाया। सरकार को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है ना, जनता की तो चिंता ही नहीं है। और सरकार ने तो जो है युवा विरोधी काम कर रही है, कहाँ रोज़गार की व्यवस्था करा रही है, कहाँ कारखाने की व्यवस्था करा रही है। बल्कि जो शुगर मिल था वो भी बंद हो गया, जो जूट मिल, पेपर मिल था वो बंद हो गया, उसको खेलने का कोई उपाय नहीं बता रही है ये सरकार ने, तो सब लोगों को ठगा। बताओ, सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके कार्य क्षमता पर 50 साल में रिटायर कर देंगे, ये तो सभी लोगों के खिलाफ जो है ये काम करे। शिक्षा की स्थिति आपने देखी है, कदाचार का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, धांधली का मामला हो, रिजल्ट धांधली का मामला हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात करें। कर्मचारियों को लेकर आपने जब सदन में आवाज़ उठाई थी, क्या ऐसा हो सकता है? सरकार तो कह रही है कि हमने फैसला दे दिया है, भाई कार्य क्षमता देखी जाएगी। कार्य क्षमता देखी जाएगी तो सभी लोगों का, मुख्यमंत्री से लेके सभी मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता, सब लोगों की कार्य क्षमता देखे ना। फिर केवल सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता क्यों? तब तो 50 साल के बाद वाले जितने जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबको रिटायरमेंट लेने का आपसे। और अभी से असल में सवाल जो पूछा जाएगा तो मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा ना, वो तो थक चुके हैं। आखिरी सवाल आपसे, शिक्षा को लेकर सवाल कल हो रहा था सदन में, कहा कि आपकी शिक्षा क्या है, चरवाहा विद्यालय से हमने कहाँ तक ला दिया बिहार को, जरा देखिए। तो देखिए, सब पे बिना ज्ञान के लोग जो हैं, इन लोगों को पता नहीं, यूनाइटेड नेशन ने भी उस योजना की तारीफ की। जो लोग स्कूल नहीं जा पाते थे उनको स्कूल में पहुंचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट था, पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट था,
और जाने पे स्कूल एक रुपया भी मिलता था। इन लोगों को कुछ पता नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, और इन लोगों को पीड़ा है ना कि बकरी चराने वाला का बच्चा पढ़ने लगा, भैंस चराने का बच्चा पढ़ने लगा, सुअर चराने का बच्चा जो है वो पढ़ने लगा। तो पहले शिक्षा कुछ लोगों का अधिकार था, लालू जी ने ये अंतिम पैदान तक पहुंचा दिया, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। भी मैं चपरासी क्वार्टर में रहा हूं। अरे हम तो पैदा हुए हैं वहाँ। लोग पता है कि सरकारी स्कूल में जो है मेरी जितनी बहनें हैं सब तो सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं। मेरे बड़े भाई जो है वो सरकारी स्कूल में, सेंट्रल स्कूल ये चिड़ियाखाना के पीछे वेटनरी के बगल में। क्या इन लोग को कोई जानकारी नहीं है, कुछ अनर्गल बयान बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उससे नहीं कहना, लेकिन आपने क्या व्यवस्था कर दिया। पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता था, शिक्षा में गुणवत्ता होती थी, आपने तो वो खत्म कर दिया ना। रात पे भी तो घेरा जा रहा है, टीचर छात्र छात्राएं सब परेशान हैं। लड़कियां जो कल आ रही थी रिसेप्शन पार्टी से आराम में हुआ। अब बताइए, अब ये बताने की जरूरत है कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ थे, उन्होंने जनता से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, और उन्होंने कहा कि ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो अज्ञानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।